चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में भोपाल में बुधवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के समर्थन में मेगा रोड शो किया। भोपाल उत्तर विधानसभा के भवानी चौक से शुरू हुआ रोड शो नादरा बस स्टैंड पर जाकर खत्म हुआ। रोड शो का पूरा रास्ता भगवा रंग में रंगा नजर आया। वहीं हर तरफ मोदी सरकार की गूंज सुनाई दी। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने रथ पर सवार पार्टी के राष्ट्रीय अमित शाह, उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तथा अन्य नेताओं पर फूल बरसाकर स्वागत किया। वहीं रोड शो के दौरान उत्साहित कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी चोर के नारे भी लगाए। अमित शाह का रोड शो ब्राह्मणों के स्वास्थ्य वाचन और शंखनाद के साथ शुरू हुआ। इस दौरान उमड़े जनसैलाब के बीच कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगाए। हर तरफ गूंजे फिर एक बार मोदी सरकार के नारे। अमित शाह के रोड शो के दौरान हर तरफ फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगते हुए लोग दिखाई दिए। रोड शो के आगे चल रहे युवा अपने हाथों में फिर एक बार मोदी सरकार और मैं भी चौकीदार लिखे हुए बड़े पोस्टर लिए हुए थे। रोड शो में झूमे कार्यकर्ता, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते कार्यकर्ता, चारों तरफ से बरसते फूल और वातावरण में गूंजते मोदी मोदी के नारे। यह दृश्य बुधवार शाम पुराने शहर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के रोड शो के दौरान दिखाई दिया। आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ता के हुजूम के साथ शुरू हुआ रोड शो रात 10 बजे तक नादरा बस स्टैंड पर जाकर खत्म हुआ।